हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान लुसेंट का, तो उसमें हमारा आज 9th एक्सरसाइज होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो हमारा पहला प्रश्न है भारत एक है, मीन्स भारत इसमें से क्या है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, तो क्या लिखा है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत के किन प्रकार वर्णित किया गया है, मीन्स भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ये क्या है? एक राज्यों का संघ के रूप में किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट है ये। फिर भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सभी प्रश्न एक जैसे ही है, राज्यों का संघ और अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, फिर वही प्रश्न है, क्या है? राज्यों का संघ के रूप में। नेक्स्ट है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे है। फिर से पढ़ता हूँ, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित मीन्स मिलाने का अधिकार किसको दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसे है? संसद को। देखो, कोई भी राज्य बनेगा या राज्य को मिला लिया जाएगा, ये किसके अंतर्गत आता है? संसद के अंतर्गत आता है। अभी अगर बात करें सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना है, तो वो बना है तेलंगाना, याद होगा अगर तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज हो, तो वो किसका है? संसद का काम है, संसद का। नेक्स्ट है राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक, यहाँ पे राज्यों को या राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति की। देखो, राज्य से संबंधित कोई भी काम होगा, इंडिया में मेनली कोई भी काम होता है, तो उसका मेन मुखौटा जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सिग्नेचर सब पे रहना जरूरी है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट प्रश्न है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो वो भी किसको है? संसद को, संसद। निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, तो कौन घटा या बढ़ा सकता है? तो वो भी संसद। स्टेट को लेकर संसद के पास क्या है? बहुत अधिक पावर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किस तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, कौन सब? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ये उस समय की बात हो रही है जब संविधान सभा बन के तैयार हो गया था, तो उस टाइम बहुत सारे जो राजे रजवाड़े थे 500 से अधिक थे, तो वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, पर ये तीन जगह था इसका क्या किया वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसको बाद में मिलाया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है 500 से अधिक राजवाड़े, ये आप याद रखोगे कितने राजवाड़े थे, 500 से अधिक, ऐसे आपको ऑप्शन में आएगा। देसी रियासत से भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, मीन्स ये जो मिलाया तो इसमें से अहम भूमिका किसका था, तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत जो इतना विशाल भारत अभी बना हुआ है, अखंड भारत, तो विभिन्न सारे रजवाड़े थे, सोचो आप इमेजिन कर सकते हो कि 500 जैसे भी अलग राज्य है इतना सारा, हर का अलग एक चीफ मिनिस्टर है, वैसे ही 500 से अधिक राजा था पूरे भारत में, सबको मिला के एक भारत देश बनाना कितना मुश्किल काम होता होगा, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। और यही गए थे हैदराबाद के निजाम से भी मिलने के लिए, तो तब जाके हैदराबाद भी क्या हुआ, भारत का पार्ट बना। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जोरों में से किस में देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदाया, तो कौन किया? सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और बीपी मेनन। नेक्स्ट है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, मूल संविधान में वर्गों को कितने भाग में? चार वर्गों में बांटा गया, चार वर्ग। नेक्स्ट है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी,
जिस टाइम में संविधान बना था तो उस टाइम में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27। लेकिन आपसे अगर यही पूछते कि आज़ादी के समय कितना था, तो आज़ादी के समय आप करोगे 14, 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों का चार श्रेणी मीन्स अ ब स और ट में बांटा गया था, इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इसको 1956 में समाप्त कर दिया गया था, और 1956 में ही भाषा के आधार पर पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, उसका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये होगा आंसर 1956, ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो अभी मैंने जिक्र किया कौन था, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अच्छा, अगर पता हो तो आंध्र प्रदेश से अभी कौन अलग हो गया, तेलंगाना। तो तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे 1956 हुआ था, लेकिन इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो श्री रामालू रहेगा, वहाँ पे पोती श्री रामालू लिखा हुआ है, तो आप रामालू याद रखोगे, ठीक ना, श्री रामालू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर है, मूल संविधान में राज्यों को चार अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या गया था, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली जस्टिस थे वो, फजल अली। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पे पारित होने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दिया गया मेंशन है 1956। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो मैंने अभी जिक्र किया था 14 स्टेट था और 5 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है, वर्तमान में, अच्छा यहाँ से एक मेरे दिमाग में प्रश्न है, आप मुझे बताओ गोवा जो है भारत का पार्ट कब बना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितना है 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे 8 लिखा है क्योंकि बुक पुराना है, क्या हो जाएगा 29, क्योंकि अब तेलंगाना बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इस समय कितने स्टेट और कितने हैं, तो क्या होगा 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं कितने संघीय प्रदेश है, वही क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो संघ शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, इसका नाम पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार भी है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर से वही प्रश्न आ गया, नहीं है, तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम नहीं है। नेक्स्ट है, कराईकल माहे यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित कर दिया, मीन्स भारत को सौंप दिया गया, मीन्स भारत उसको अपना बना लिया, तो 1954। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया, तो किस वर्ष में सम्मिलित किया गया, 1962। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्ती को, मीन्स गोवा का मेनली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो गोवा पे किसका था, पुर्तगाल का कब्जा था और बहुत लंबे समय तक रहा, तो गोवा भारत का अभिन्न अंग कब बना, आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो 1961 में। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था,
आरक्षित राज्य था, तो कौन सा राज्य आरक्षित था, वो था सिक्किम। सिक्किम सिक्किम कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है ये, 73, सॉरी वो 73वां संविधान संशोधन था, अनुच्छेद नहीं। 73 अनुच्छेद की अगर बात करें तो वो क्या है, पंचायती राज से है, और पंचायती राज के समर्थक कौन थे, तो वो महात्मा गांधी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सह संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो किस वर्ष उनको शामिल किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 क्या होगा, 1974, 1974। अच्छा मैंने ये यहाँ पे गलत बता दिया, 74 से हमको याद आ रहा था कि 74वां संविधान संशोधन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, 74 वो ईस्वी था, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया, तो वो था 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। फिर है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, 1971 में, 1971। नेक्स्ट है संविधान 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संविधान संशोधन में क्रमशः क्या हुआ था, तो इन सब संविधान संशोधनों में क्या हुआ था, 56 में बना था गोवा, 55 में अरुणाचल प्रदेश, 53 में मिजोरम और 36 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, सी सही आंसर है। नेक्स्ट है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया, ये था धर आयोग, धर आयोग या धर कमीशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1975 में, 1975। नेक्स्ट है भारतीय संघ में सम्मिलित कौन सा 28वां राज्य, तो 28वां कौन था, झारखंड था। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर, वही प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर को मेनली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का माना जाता है, तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जो है वो है 15 नवंबर को, इसीलिए झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। फिर है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो कौन सा संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन, 36वां, इसको नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष वर्ग का दर्जा। फिर किस राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य, मीन्स एक राज्य बना दिया जाएगा, तो इसका निर्माण कौन करेगा, तो वो भी करेगा सांसद, सांसद। फिर एक कथन दिया गया है और एक कथन, दो कथन दिया गया है, पहला है भारत संघ नहीं है, बिल्कुल गलत है, भारत क्या है, संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है, तो ए गलत है और आर सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या है, क्या है, राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों का राज्य संघ, सॉरी भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रमांक, मीन्स सही असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो क्या होगा, पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से बताइए कौन सा सही है, तो भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है। एस के धर आयोग, अभी हम धर आयोग पढ़े हुए थे, ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, तीनों सही है, डी सही है हमारा, क्योंकि वे सभी चाहते थे कि भाषा के आधार पर नहीं बने, मीन्स वैसे ही 14 स्टेट बस रहे, उन लोगों को पूरा बंटवारा नहीं चाहिए था, एक स्टेट पूरा रहे ऐसा चाहते थे वो लोग, लेकिन पर यह संभव नहीं होना था।
नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया? 1956 में, मीन्स बनना स्टार्ट हुआ 1953 में और कम्प्लीट हुआ 1956 में। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? नेक्स्ट सेम प्रश्न वही है, 1956। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत का वर्णक किस रूप में करता है? फिर से वही रिपीट हो रहा है, राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ यूनियन। यहाँ पे आपको कई बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, राज्यों का समूह, तो समूह पे टिक नहीं करना है, संघ हो उसी को टिक करना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। तो ये था मेरे वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर कुछ और चाहते हैं मीन्स इन्फॉर्मेशन देना तो भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।